हेलो फ्रेंड्स, सेक्स एजुकेशन विद मनोज की एक न्यू एंड फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे डिफरेंट सेक्स पोजीशन आखिर क्यों करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी भाई कोशिश करते हैं आपके लिए ऐसे ही न्यू लेटेस्ट अपडेट लाने के लिए, ताकि आप आपकी सेक्सुअल लाइफ को ज़्यादा प्लेजरेबल कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो टॉपिक है, हम सेक्स यानी कि संभोग करते टाइम पे क्यों हमें सेक्स का जो पोजीशन है उसमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक बोरिंग सा हो जाता है ना कभी कभी। फ्रेंड्स, आज यंग की बात करूँ, यूथ की बात करूँ, तो कभी कभी मन में ये आ जाते हैं, आइदर आप कपल हो, आइदर आप मैरिड पर्सन हो, आइदर आप अनमैरिड हो, या आप आपकी पार्टनर के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ चाहते हो संभोग बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि बिफोर संभोग करने से पहले फोर प्ले की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है वो मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे लग रहा है वहाँ पे काम नहीं है तो भाई सेक्स कर लो, नींद नहीं आ रहा है तो सेक्स कर लो, और यहाँ पे आपके सामने वाले यानी कि फंड वाले जो पार्टनर है उसका आप सहमति नहीं ले रहे, तो यहाँ पे एक गलत बात है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ऑलवेज बताया हूँ, कभी भी आप संभोग करना चाहते हो तो ज़रूर आप आपकी फ्रंट में यानी कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है उनका सहमति बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यदि उनका सहमति नहीं है आप फोर्सफुली कर रहे हो तो वो बिल्कुल ही गलत बात है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि जब आप जा रहे हो संभोग करने के लिए, यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस है, डिफरेंट एनवायरमेंट है। कभी आप आउट ऑफ स्टेट हो, या कभी आप हनीमून में जा रहे हो, कहीं आप घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे आप कर सकते हो, या आप घर में कर रहे हो, चार दीवारों के अंदर कर रहे हो तो आप कभी बेड पे कर सकते हो, कभी बाथरूम में कर सकते हो, कभी आप किचन की स्लैब के ऊपर कर सकते हो, तो उस कभी आप सोफे के ऊपर कर सकते हो, कभी आप कुर्सी के ऊपर भी कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो सिचुएशन, ये जो एनवायरमेंट मैंने आपको बताया, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर इस चीज़ को करना है, तभी आप जो उस प्लेजरेबल मोमेंट्स का, उस चरम सुख का आप लाभ ले सकते हो। तो आप सबको मैंने और एक चीज़ बताऊंगा, देखिए एक पोजीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, यदि आप डेली लाइफ में, यदि आप वीकली दो बार या तीन बार कर रहे हो संभोग, तो उस समय पे फ्रेंड्स देखा जाता है कि आप आए, फोर प्ले किए नहीं, और आपने जस्ट नॉर्मल इंटरकोर्स किए, दो मिनट्स तीन मिनट्स आपका चला, उसके बाद एलई डिस्चार्ज आपका हो गया। फिर आपको सपोज मैं मेल पार्टनर की बात कर रहा हूँ, एलई डिस्चार्ज हो जाने के बाद मेल पार्टनर को एक सेटिस्फेक्शन इंटरनली मिल गया, बट जो फ्रंट में है जो फीमेल पार्टनर से, उसको उस सिचुएशन पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। कभी कभी फीमेल पार्टनर होते हैं जो वो चीज़ों को शेयर करते हैं, आगे आप कैसे न्यू कर सकते हो, बेटर वे कर सकते हो, ज़्यादा समय तक टिका चीज़ कर सकते हो, बट कुछ कुछ ऐसे फीमेल पार्टनर है जो सामने नहीं बता पाते खुल के, वो मन के अंदर इस चीज़ को रख देते हैं, वो वहाँ पे बहुत बड़ा इशू होता है आगे जाकर। फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं मेल पार्टनर को ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन क्या है। फ्रेंड्स, पहले तो जो एक ज़बरदस्त पोज आप सबको पता है, जो कि है डॉग स्टाइल, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स आप डॉग स्टाइल में कर सकते हो। यहाँ पे मशीनरी पोजीशन से, टेबल काउंट्स पोजीशन से वो कर सकते हो, स्पून्स पोजीशन से। फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स मैं बताऊँ 200 से 300 टाइप की पोजीशन से, जो आप खुद भी इनोवेट कर सकते हो, अपनी क्रिएटिव माइंड के हिसाब से भी आप कर सकते हो, ताकि फ्रेंड्स आपकी मन में है कुछ न्यू करने की तो आप कुछ भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, ज़्यादातर माई ओपिनियन के हिसाब से, तो उस हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट जब सेक्स पोजीशन बदलाते रहोगे तो उस हिसाब से आपकी पार्टनर को उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है। और जो जो चीज़ें आप कर रहे हो सकता है वो चीज़ काम सूत्रा की जो पुस्तक है उसमें भी ना हो। फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ये चीज़ बताता हूँ, कभी की चीज़ें की करते हो ये नहीं बता रहा हूँ, कभी कभी कमेंट्स आता है फ्रेंड्स हम लोगों के पास कि आप एक ही पार्टनर को चूज कर रहे हो, तो एक ही पार्टनर को डेली संभोग करने में आपको मज़ा नहीं आता है। फ्रेंड्स, ये तो मैं नहीं बता सकता कि आप आपकी पार्टनर को चेंज कर दो, दूसरे के साथ संबंध बनाओ, ये कभी नहीं बताऊंगा मैं। बट हाँ, उसी पार्टनर के साथ, सपोज आप मैरिड कपल हो, उसी पार्टनर के साथ कोशिश करो डेली बेसिस में न्यू पोजिशन करने के लिए, ताकि उसको भी यानी कि फीमेल पार्टनर, जो महिला पार्टनर है, उसको भी उतना ही सुख मिले। फ्रेंड्स, तो आज के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था मेरे तरफ से, आगे ही बात करेंगे ऐसे ही न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।